इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की है तो वहां पर बैतुल्लाह शरीफ का एक पत्थर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर जन्नत से उतारा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर के ऊपर पांव रख के खड़े होकर काबा की तामीर करते थे। तो वो पत्थर जो है ना स्टोन क्या होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर खड़े होते तो जो ही बिल्डिंग जो थी उसकी वॉल्स ऊपर जाती थी तो वो पत्थर भी इस तरह ऊपर रेज हो रहा, उठता इस तरह ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से इस तरह नीचे, जिस तरह रेड आजकल की आती है ना उस बनी हुई, तो जिस तरह उसको ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे आ जाती है, इस तरीके से क्या है ये पत्थर ऊपर जाता और नीचे आता। ये पत्थर था जन्नत से भेजा गया, इसके ऊपर इब्राहिम ऐसा तो अभी भी वहां पर मकाम इब्राहिम जो लोग बैतुल्लाह शरीफ गए वहां ये बना हुआ है, उसके ऊपर साइड के ऊपर क्या है एक शीशे की इमारत छोटा सा बक्सा बना हुआ है और वहां पर ये पड़ा हुआ है। एक दफा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे उमरे का, साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा ही बड़े बड़े जलील कदर सहाबा भी है, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब पहुंचे तो एकदम एक ख्वाहिश कहने लगे अल्लाह के रसूल जी चाहता है आई वॉन्ट टू प्रे हियर, मैं यहाँ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए, क्वाइट, कोई आंसर रिप्लाई नहीं किया, बिल्कुल खामोश, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसी बात पे अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते, खामोश हो जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही भेजते और वही के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फैसला फरमाते उसके मुताबिक आते। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो रब्बुल आलमीन ने वही नाज़िल की वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम इसको नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, यहां पर दो रकात क्या नमाज। अब जो भी आदमी तवाफ करता है तवाफ खत्म करने के बाद ये दो रकात नफल पढ़ना क्या हो जाता है, ये वाजिब हो जाता है, ये दो रकात नफल पढ़ना क्या है वाजिब है, मकरूह वक्त में ना पढ़ना चाहिए असर के बाद और फजर के बाद, और जो सूरज निकल जाए उसके बाद पढ़ ली, जोर के वक्त पढ़ ली जब भी उस टाइम, इससे अंदाजा कीजिए अगर तुम रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका मकाम और मर्तबा देखिए कितना अजीम शान जलील और कदर सहाबी रसूल है, ये सहाबी जिसको मांगा है जनाब नबी करीम से और मांगा किस तरह था कि अल्लाह तू दो उम्रों में से एक उम्र अता, एक था अमर बिन आशाब जो अबू जहल था और दूसरी उम्र में खता, तो दुआ की नबी से अल्लाह इस्लाम की हेल्प और सपोर्ट के लिए इन दो में से एक अता जिसको तू पसंद करता है, अल्लाह तू लाइक करता है और लव करता है जिससे, इन दोनों में से जिसको तू पसंद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हक में उसकी दुआ को कबूल कर दिया। तो गोया मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और ख्वाहिश और विशिंग वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद भी है, हजरत उमर अल्लाह की पसंद है तभी तो रब्बुल आलमीन ने उनके हक में दुआ कबूल फरमाई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के अल्फाज भी है यानी जिसको इन दो में से तू पसंद करता है, तो गोया उमर को पसंद किया रब्बुल आलमीन ने और उनको इस्लाम की दौलत से नवाजा, वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वो बड़े बंदे ही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पसंद करके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट के लिए इस्लाम का ले आए, इतने बड़ा शख्स है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि लव कान बादी नबी, अगर मेरे बात में नबी होता तो कौन होता, तो यहां देखिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाहिश विश की अल्लाह ये अल्लाह के रसूल जी चाहता है कि यहां पर दो रकात नफल पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल की और वही नाजिल करके हुक्म दिया, हुक्म दिया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम।